नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा का असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नजर आने लगा है। यहां लखीमपुर जाने से रोकने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर ही थरने पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा जुल्म भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और किसानों को 2-2 करोड़ का आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इधर अखिलेश के धरने से कुछ दूरी पर पुलिस की एक जीप को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने विपक्ष के कई नेताओं को लखीमपुर खीरी पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। इनमें बसपा महासचिव सतीश मिश्रा, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, आराधना मिश्रा और शिवपाल यादव शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस सुबह ही हिरासत में ले चुकी है। आपको बता दें, लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और बलवे का केस दर्ज हुआ है। यह केस बहराइच के नानापारा के रहने वाले जगजीत सिंह की तहरीर पर तिकुनिया थाने में लिखा गया है। लखीमपुर खीरी में रविवार किसान आंदोलन के बीच भड़की हिंसा में 18 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सोमवार सुबह एक पत्रकार का शव भी बरामद हुआ है। इसको मिलाकर अब तक मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। इधर लखीमपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि जब तक मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता है, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है। मृतक किसानों के शवों का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होगा। इधर घटना स्थल पर किसान जुटने लगे हैं। यहाँ किसानों की संख्या 2000 हो गई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने दंगा नियंत्रण की 3 गाड़ियां मंगा रखी हैं। उधर रविवार रात को मंत्री अजय मिश्रा ने कहा था कि घटना स्थल पर उनका बेटा मौजूद ही नहीं था। प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच घुसे कुछ शरारती तत्वों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ता और उनके काफिले की एक गाड़ी के ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। नाम क्या है? चौधरी चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर जी, ये बताइए कि क्या आप लोग रात भर ही आए हैं? कोई आवाहन हुआ आप लोग का यहाँ आने के लिए? जब उस पर देखी थी हमने, व्हाट्सएप पे देखा था कि हमारे भाई के साथ ऐसा दुर्घटना हो गई, एक अत्याचार हुआ है, तो उसको लेकर हम यहाँ आए हैं। और जो है ना, हमारी डिमांड है जिस मंत्री ने ये काम करवाया, जिसके औलाद ने काम किया है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो है ना मरने वालों को जो है ना उसका मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार से एक इंसान को सरकारी नौकरी दी जाए और जो मरे हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उन पे मारने वालों पे मुकदमा दायर किया जाए। मुकदमा 302 का उसके जो मंत्री बेटे हैं उनके ऊपर हुआ है, ऐसा पुलिस कंफर्म कर रही है? कोई कंफर्म? क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल नहीं है, कोई मुकदमा दायर ही नहीं हुआ, वो अभी तक जो है ना बर्खास्त ही नहीं हुआ, तो हम कैसे यकीन कर लें? और भारतीय किसान यूनियन तोमर, जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा हम जो है ना इनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। एक चीज बस और जानना चाहता हूँ कि देखिए, 4 लोग इधर मरे, लेकिन ये भी है कि 4 लोग भाई जो वो थे वो भी पीट पीट के मारे गए, तो मरे तो 8 लोग थे। भैया जो मारे तो मारने वाले तो वही लोग हैं, हथियार भर रहे थे गाड़ी में उनकी, वे अपने ऐप छुपाने के लिए इन लोगों को, निर्दोष लोगों को, किसान मजदूर लोगों को, वे उनसे क्या कह रहे थे, उनको जो है ना मार मोर कर भाग गए। फोर्स भी उनके साथ में लगी हुई थी, फोर्स ने भी गोलियां चलाई हैं। आगे आप क्या समाधान देखते हैं इसका? सर, आपकी वार्ता हो रही है टिकट साहब की बाकी लोगों से, क्या समाधान? जो हमारी कमेटी की वार्ता हो रही है वो सही निर्णय लेगी और हम उनका सहयोग करेंगे।